हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सवेरे के 5 और मैं जल्दी उठ चुका हूँ। अभी जाऊँगा मैं थोड़ा व्यायाम व्यायाम कसरत करने, योगा योगा। तो देखते हैं, मैं जा रहा हूँ नर्मदा, तो जो भी दिखा सकूँ वो दिखाने की कोशिश करूँगा सीन। ओके, तो चलते हैं। सो गाइस, देखिए चंद्रमा, इधर चंद्रमा और इधर से होगा सूर्य, वो भी सेम ही डिस्टेंस में होगा, हमें दिख नहीं रहा है। पहले इसे अंदर कर देते हैं क्योंकि ये साथ में जाएगा, जैसी करेगा तो और भी कुत्ते भूखेंगे और सभी की नज़रें मेरे ऊपर होगी। तो फिलहाल इसे अंदर कर देते हैं। तू आ, लगा दे तो दरवाजा ला, चल पीछू पीछू आ, चल। फिलहाल कुत्ते को कर दिए अंदर और सवेरे का व्यू देखिए गाइस, बिल्कुल शांत। हमारा दुकान देखिए, मैंने थोड़ा लेट कर दिया आज। देखिए धान के खेत को, सो आपका स्वागत है झिरना की पावन धरा पर। कितनी शांति है, कितना नेचुरल वाइब्स आ रहा है। कितना नेचुरल है ये देखिए हमारा खेत, यहाँ से वहाँ तक वो पेड़ दिख रहा होगा आपको, वहाँ तक एक प्लॉट। मेरे पास काम नहीं था 12वीं के बाद, क्योंकि कॉलेज में मेरा मन नहीं चल रहा था और मेरे पास काम नहीं था, तो मैंने 2 साल बाद खेती बाड़ी किया इस प्लॉट में और उस वाले प्लॉट में। तो देखिए इसके अंदर बोर है हमारा, और इधर हमारा प्लॉट ख़त्म होता है, बाद है तालाब छोटा सा। सो यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम नर्मदा, इधर मेला लगता है, इधर भी और इधर रहता है हम लोगों का दुकान इधर। तो पहुँच चुके हैं हम नर्मदा, देखिए जय हनुमान जी। ओ मनीष, सो गाइस कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए।
बहुत ही प्राचीन जगह है। तो फिलहाल चलते हैं, एक मंदिर और है यहीं पर, ये राम मंदिर। यहाँ बहुत आते थे पहले, उसके ना छत पे चढ़ने में बहुत मजा आता था। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। तो हे गाइस, ये ब्लॉग में यही समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।